जोड़ो यात्रा जो 21 तारीख को आ रही है, मैं कर दो यार, विस्तृत तरीके से पूरी चर्चा हुई। 18 कमेटीज बनाई गई हैं, उन कमेटियों के साथ हमने बैठकर सारी चर्चा करी। हर एक कमेटी अपने अपना क्या क्या काम कर चुकी है, तो वो सारी कमेटीज के अलग अलग जो हैं, किस तरह से पासेस बनेंगे, किस तरह से यात्री रात को रुकेंगे, किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, किस तरह से उनको रिसीव करा जाएगा, और जो पहले 3 दिन हैं, फिर जहाँ पे मुडाका बॉर्डर से जो है वो एंटर करेंगे, और फिर बाद में सोना से बाहर निकलकर वहाँ तक जाएंगे अपने राजघाट तक। तो पहला चरण तो ये है। दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा 6 तारीख की रात का, रात को आप पहुँचेंगे, और 7 तारीख का जो है उनका प्रोग्राम है, और शनिवार को जो है पानीपत में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करी जाएगी, और उसके बाद जो है 9 दिन का प्रोग्राम राहुल जी का है, 10 तारीख का अवकाश है, मतलब एक दिन जो है जैसे फ्री दिन होता है वो वहाँ पर होगा, और उसके बाद वो आगे पंजाब की तरफ निकलेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो रिस्पांस साउथ में मिला उससे बेहतर रिस्पांस आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में मिलेगा? तमाम ब्लॉक लेवल बूथ लेवल के जो कैडर हैं वो जुड़ेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से मोबिलाइज करा जा रहा है लोगों को, और मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इसका उत्साह लोगों के अंदर है और इसमें जुड़ेंगे। मैम, दूसरे चरण के बारे में आपने कहा कि 9 दिन हरियाणा में रहेगी, और क्या रोड मैप रहेगा इसका? वो रोड मैप जो है अभी कहाँ से एंटर कर रहे हैं वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो फाइनलाइज होगा जब हम आपको बता देंगे, लेकिन 9 दिन का जो है रूट बन गया है, और 2 अल्टरनेटिव रूट्स हैं, वो कहाँ से अंदर आने के हैं, एक तो अम्बाला से है, एक इधर पानीपत साइड से है, वो देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो जो है वो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन एक बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है वो पानीपत के अंदर। ठीक है मैम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या राहुल जी करेंगे और कहां करेंगे, कुछ इस बारे में अभी तक चर्चा हो पाई है? नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इसमें कोई चर्चा नहीं है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी वो तो अब सारे चलते जाते हैं, जब प्रेस तो साथ ही होती है, सारे कांग्रेसी इकट्ठे देखेंगे। बिल्कुल, इसके अंदर तो राहुल जी का सवाल है, तो सारे कांग्रेसी इकट्ठे हैं। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज था उसको लेके भी चर्चा हुई, मीटिंग अभी चालू है अंदर, डिफरेंट कमेटीज की मीटिंग चालू हो रही है। फर्स्ट फेज का रूट, किलोमीटर, वेन्यू सब चीज़ तय हो गया। 21 तारीख को यात्रा सुबह 6 बजे हरियाणा में प्रवेश करेगी, और 24 तारीख को हम लोग दिल्ली के हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद पुनः यात्रा 6 तारीख को पानीपत के रास्ते हरियाणा में पुनः प्रवेश करेंगे। तो सेकेंड चरण क्या रूट रहेगा, कितने दिन रहेगी? सेकेंड चरण 5 दिन का है, 5 या 6 दिन का है, उसमें 2 रूटों के अंदर फाइनल टच होना बाकी है। सेकेंड चरण में भी यात्रा 5 दिन। सर कितना दोस्त देख रहे हैं हरियाणा के कार्यकर्ताओं? देखिए, आज जो हमारे राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं, मैं इसको यात्रा नहीं देख रहा हूँ खाली, मैं इसको लंका कांड का वो समय देख रहा हूँ कि जब रावण रथ लेके आया और राम प्रभु के पास कुछ नहीं था, बिना साधनों के वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और बाबा तुलसीदास जी लिख के भी गए हैं, रावण रथ विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ तन पद प्रण ताना, कही विध जीतो वीर बलवाना, सुनऊ सखा कह कृपा निदाना, जो जय हुई सो स्पंदन आना, सौर्य धीरज दो रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। कि आज हमारे राहुल जी जो पदयात्रा कर रहे, कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, अब तक लगभग 2800 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं, और यात्रा को लेके मैं क्या कहूँ, आप सब हम सब एक अच्छी उम्र को पार कर रहे हैं, दोपहर में रैलियाँ देखी हमने, शाम को रैलियाँ देखी, कभी सपने में भी सोचा है कि सुबह 6 बजे लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? ठीक है, राहुल जी की जो आज यात्रा चल रही है, सुबह 6-6 बजे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं रैली के अंदर, बहुत सक्सेस यात्रा है, और हमारे फरीदाबाद को 1 दिन मिला है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, थोड़ी सी यात्रा लंबी हो रही थी, फरीदाबाद में आ रही थी रूट को, उन्होंने हमारा रूट फाइनल कराया, और राहुल जी तकरीबन 27-28 किलोमीटर फरीदाबाद में पदयात्रा करेंगे। और उत्साह की तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन राहुल जी हमारे फरीदाबाद में पदयात्रा करेंगे, इतनी फूलों की बारिश होने वाली है, लोगों में इतना उत्साह है, राहुल जी अपने मुँह से कहेंगे कि ऐसी पुष्प वर्षा मैंने आज तक नहीं देखी। सर फर्स्ट फेज की बात, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।